मर्दों के करने काम करने बंद रोटियां ताई मिलनी है। टेम्परेरी नाली बना रहे हैं खेतों के साइड साइड से होके, जो बारिश का पानी होता है वो इस नाली से होके नीचे चला जाता है। सो गाइस देखिए आज क्या बन रहा है, पूनम क्या बन रहा है आज पैसा? आज एंकल और दाल बन रही है। और दोस्तों ये डिश हमारी ही दिवाली पे बनाई जाती है और बहुत ही फेमस डिश है हिमाचल की। और जब हमारे खास मेहमान आते हैं तो उनके लिए भी हम ये डिश बनाते हैं। तो आज बन रही है क्योंकि मेरी छोटी ननद आई है तो उनके लिए हम ये डिश बना रहे हैं। गर्मा गर्म एंकल। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग परू। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग परू। नींद लग रही। राम राम मम्मी जी। राम राम जी। हरि ओम जी। हरि ओम जी। उठ गए आप? अभी हम पहुंच चुके हैं स्पेशल काम करने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बारिश हुई है जिसके कारण खेतों का हाल देखिए क्या हो गया है। और मम्मी ने हमें स्पेशल काम दिया है तो देखिए पंकू क्या निकाल रहा है। दोस्तों हम चला निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये निकाल रहा है चला, जिसको हम हिंदी में नाली बोलते हैं। ये नाली टेम्परेरी नाली बना रहे हैं खेतों के साइड साइड से होके, जो बारिश का पानी होता है वो इस नाली से होके नीचे चला जाता है। हाँ जी। हाँ जी। क्या काम हो रहा है? चल रहा खिंचा काम जोरा रहा। अच्छा और देखिए दोस्तों ये क्या है। सो दोस्तों इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसको क्या बोलते हैं। ये देखिए ये कीड़े की छल्ली निकल गई यहाँ पे। ये सांप की छल्ली होती है ऐसा बोला जाता है, आगे मेरे को पता नहीं ज्यादा। देखो फिर जाएंगे हम दूसरे खेत में और दूसरे खेत की नाली को साफ करेंगे। ये पहले मैंने बना दी थी ये नाली, बट जैसे बारिश हुई लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है तो यहाँ पे जो है रेत से भर गई है नाली, तो इसको अभी थोड़ा सा साफ कर रहे हैं दोस्तों। हाँ जी। सारा खेत हड़ी है, बड़े बुरे हाल च बरखा हो रही है ना। हां जी नाली जो है कंप्लीट कर दी है साफ। पहले भी नाली निकाल दी थी बट वो 3-4 दिनों से बारिश हो रही है इसके कारण इसको दोबारा ये रेत से भर गई थी, मिट्टी से भर गई थी। तो मम्मी नेक्स्ट वर्क क्या है? अभी नेक्स्ट वर्क अभी थोड़ा सा घास लगाना है वहाँ पे पीछे देख रहे हैं। चलो अभी आपको लेके जाते हैं। सो गाइस इसे बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में हाथी घास। इसकी जो है कलम लगाएंगे अभी ऐसे नीचे को, जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए ऐसे लगाएंगे इसको। इसको लगाने से दोस्तों ये मिट्टी जो है इकट्ठी हो जाएगी, ये बहेगी नहीं ज़्यादा, तो इसमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी इसकी। तो ये घास है ये एक कलम लगाएंगे तो इतना बड़ा इकट्ठा, जैसे कि ये है, जैसे कि दोस्तों ये है, जैसे कि वो लगाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये हाथी घास है यहाँ पे, ये सारा वहाँ तक। हाँ। और ये देखिए दोस्तों वहाँ तक। तो दोस्तों इधर
और देखिए अभी नानी जी भी लगा के आए हैं। नानी जी अभी लगाने जा रही हूँ। अच्छा और लगाने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों मामू जी भी लगा रहे हैं थोड़ा 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 सा और लगाएंगे हाथी घास के ये छोटी छोटी कलमें। तो स्टे ट्यून बने रहिए, आ जाइए। तो दोस्तों धूप बहुत हो गई है, आपको मेरी शक्ल देख के पता ही लग गया होगा। सच बोलूं दोस्तों तो इतनी गर्मी जो है गर्मियों में नहीं लगती जितनी बरसात में लगती है। ये देखिए दोस्तों ये भी हाथी घास है जो हम लगा रहे हैं, वो भी बड़ा कैसे दिखेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों बारिश के कारण कुछ ऐसा हाल है, देखिए कितने खड्डे पड़ गए हैं। तो इन खड्डों को रोकने के लिए दोस्तों हम ये वाले घास लगाते हैं। तो दोस्तों गर्मी इतनी है कि हम पसीने से नहा चुके हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये बनियान जैसी पहनी हुई है। तो दोस्तों गर्मी बहुत होती है, जो हार्ड वर्क करता है बंदा उनको पता होता है, और स्पेशली गांव के लोगों को तो पता होता है कि गर्मियों के टाइम ये बनियान ही फिट होती है। देखिए कितना पसीना है, अगर हम शर्ट पहनने लगे तो देखिए पसीना कितना आएगा, तो इससे थोड़ा सा हवा तो लग जाती है। तो गाइस हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, अभी मम्मा को देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। हाँ जी मम्मी। हाँ जी। तो धूप पेगी जल्दी करो। वो पसीना पसीना वो पसीना तो बुरा हाल है। देखिए पंकू तैयार है नेक्स्ट वर्क के लिए, करना कुछ धूप में ना ना भाई। अभी धूप बहुत हो चुकी है और 12 भी बज चुके हैं, तो अभी हो गया है लंच टाइम। तो लंच टाइम के बाद जो भी वर्क होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून, बने रहिए ब्लॉग पे। और दोस्तों ये देखिए ये स्पेशल छल्ली है, मम्मी कौन सी छल्ली है ये? ये पोगड़े की छल्ली है। तो ये स्पेशल छल्ली इसलिए है क्योंकि इसमें इससे जो है पॉपकॉर्न बनते हैं। तो हम घर पहुंच चुके हैं, देखते हैं पूनम क्या बना रही है। राम राम जी। राम राम जी। देखो पूनम बना रही है आलू के परांठे, देखो। ये था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।